आज की इस वीडियो में आपको बैचुलर पार्टी फंक्शन दिखाने वाले हैं मुनी राय का और फिर सूरज नबियार का। अगर बात की जाए बैचुलर पार्टी की तो बहुत सारे बॉलीवुड इरा में ये ट्रेंड है कि शादी से कुछ दिन पहले बैचुलर पार्टी दी जाती है, लेकिन मुनी राय और सूरज नबियार ने जो कि बहुत ज्यादा दौलत तो रखते हैं लेकिन साथ साथ अपनी खुशियों को इंजॉय भी करना जानते हैं, इसी में बहुत ज्यादा खूबसूरत सीन उन्होंने बैचुलर पार्टी का डेकोरेशन की और साथ साथ मुनी राय अपने व्हाइट कलर के ड्रेस में जबकि सूरज नबियार अपने व्हाइट कलर की पैंट शर्ट में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अगर बात की जाए मुनी राय की और सूरज नबियार की तो ये जिस तरीके से अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। फैंस का कहना है कि हम बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स भी चाहते हैं इन दोनों के फंक्शन से, इन दोनों की शादी से। अगर बात की जाए इनकी शादी की तो 27 जनवरी को एक पवित्र रिश्ते में बनने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर बात की जाए मुनी राय की तो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने वाली अभी तक शादी के बारे में नहीं बोली थी, लेकिन अचानक से इनकी जिस तरीके से माइयों और बैचुलर पार्टी और बाकी तमाम फेस्टिवल्स की तस्वीरें और पिक्चर सामने आ रही है, फैंस को बहुत ज्यादा गर्ली वेट है कि हम 27 जनवरी को इनकी शादी की पिक्चर्स भी सूरज नबियार जो कि दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है उनके साथ देखना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि आज ये बैचुलर पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जिस तरीके से उन्होंने गले में हार पहना हुआ है बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर बात की जाए माइयों की तो माइयों के बाद इनकी बैचुलर पार्टी हुई है जो कि सूरज नबियार की तरफ से दी गई और माइयों मुनी राय की तरफ से दी गई और बहुत ही खूबसूरत सी वेडिंग फेस्टिवल्स जो कि ऑन गोइंग है टिल 27 जनवरी। उसके बाद 28 जनवरी को जो रिसेप्शन था वह सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। व्यूअर्स आपको बहुत ही खूबसूरत बैचलर पार्टी की पिक्चर्स देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।